और जो मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सीसीटीवी कैमरा में एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगी। मैं ये दावा नहीं करता कि सिर्फ मुझे ही पता है, कुछ लोगों को पता भी होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आजकल जो कैमराज आते हैं आपको पता होगा, OSD कैमराज आते हैं, जो कैमरे के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, एक मेनू ओपन होता है जो कैमरे के फीचर्स उसमें होते हैं, तो वो मेनू ओपन करने के लिए कुछ कैमरा में OSD कैमरे के साथ एक बटन आता है, उसको प्रेस करेंगे, अप डाउन करेंगे, लेफ्ट राउंड लेफ्ट राइट करेंगे, तो मेनू आप मेनू में जाके सेट कर सकते हैं उसके फीचर्स। लेकिन कुछ कैमराज में ये बटन नहीं आता, और अगर बटन दिया भी गया हो तो क्या होता है, कैमरा लगा होता है एक जगह पे और स्क्रीन लगी होती है दूसरी जगह पे, तो वहाँ से कैमरे से आप बटन से स्क्रीन में बिना देखे एडजस्टमेंट ये नहीं कर पाते। तो मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ कि DVR से ही कैमरे के मेनू में एंटर किया जा सकता है, और वो कैसे किया जा सकता है वो आज आपको मैं बताऊँगा। तो आखिर तक मेरा चैनल देखिए, और जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कैमरे के मेनू में एंटर किया जा सकता है DVR के थ्रू। यहाँ पे मैंने दो कैमरास कनेक्ट कर किए हुए मेरे DVR से। इस कैमरे में हर ये DVR एक्टिव पिक्सल मेक का DVR है, OEM DVR है। आप किसी भी DVR में ये फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो कैमरास और DVR दोनों आपस में सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो XVI कंट्रोल होता है, कुछ कुछ DVR में PTZ कंट्रोल होता है, तो XVI कंट्रोल होता है, तो PTZ कंट्रोल से भी इस सेटअप में जाया जा सकता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि PTZ कंट्रोल जो होता है ऑप्शन DVR में, वो सिर्फ PTZ कैमरास के लिए ही होता है, नॉर्मल कैमरास के लिए नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। PTZ कंट्रोल जो सेटिंग होता है उससे आप और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये XVI कंट्रोल का मेनू ओपन हो चुका है, इसमें जो सेंटर का एंटर किए इसको मैं प्रेस करूँगा। अब ये जो मेनू ओपन हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, इसको बड़ा करके दिखाइए। हाँ, ये जो मेनू है ये कैमरे का मेनू है। तो इसमें आप देखेंगे वीडियो मोड है HD। इस वीडियो मोड से आप कैमरास का मोड चेंज कर सकते हैं, CVI, TVI या HD। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे मेन मेनू है। मेन मेनू में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। AE है, ऑटो वाइड बैलेंस है, डे नाइट है, वीडियो सेटिंग है। वीडियो सेटिंग में आपको कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कलर गेन, नॉइज रिड्यूस, मिरर इमेज, ये सब फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। यहाँ से आप जाकर कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से। जिस इन्वायरमेंट पे कैमरा लगा है उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑटो वाइड बैलेंस, इसमें MWB है, ATV है। MWB में आपको R गेन, ब्लू गेन, अगर ज़्यादा कैमरा आपका रेड कलर में दिख रहा है तो R गेन को कम कीजिए, अगर ब्लू में दिख रहा है तो ब्लू गेन को कम कीजिए। यहाँ से भी आप अपने कैमरे की सेटिंग्स में जाके कलर इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यही बहुत यूज़फुल फीचर्स है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वीडियो सेटिंग में आपको बता ही चुका हूँ। डे नाइट जो इसका फीचर है, इसमें मोड है, या तो फुल्ली ये कलर मोड में रहेगा, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, ब्लैक एंड वाइट मोड में है। ब्लैक एंड वाइट मोड में सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में रहेगा, और स्मार्ट मोड है, स्मार्ट मोड में ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा, जैसे इसका आयर ऑन होगा ये नाइट मोड में चला जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। हर एक कैमरे के हिसाब से अलग अलग फीचर्स होते हैं। हिकविजन के कैमरा में भी ये फीचर्स होते हैं, लेकिन वो हिकविजन के ही DVR से आप उसको सेट कर सकते हैं। जिस DVR पे जो कैमरा सपोर्ट करता है उसी से आप सेट कर सकते हैं। XM PCB के जो कैमराज है वो आप XM के DVR पे सेट कर सकते हैं। ये एक XM का DVR है और कैमरा भी XM का ही है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचता रहे।
थैंक यू।